कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू है। तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ। जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। तो उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें। इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा, रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे। इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे जो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती, और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है,
9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठन को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ। जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। तो उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसेट करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना कर लेके गए। हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है, और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करे। इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा। जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती, और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका,
उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठन को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ। जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा। और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करे। इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सर जो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती। और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत TV चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए USA से, अमेरिका। उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठन को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है
भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसेट करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ से बना कर लेके गए। हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें। इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सर जो हमने कहा कि आप कहते नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती। और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे हम, आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप कहते नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसेट करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ,
क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ से बना कर लेके गए। हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है, और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें, इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं, और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी, और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सर जो हमने कहा कि आप कह ले रहे आपके उससे करेंगे, पूरे संगठन को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना ही है, इस मोमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को, और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती, और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी, और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना, और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे, और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू है। तो हमने कहा कि आप कह ले नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठन को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना ही है, इस मोमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है, और हमको पेड़ लगाना है इस साल। उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें, तो टी टिकेट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में, ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है, और ये एक बड़ा उन्होंने रिसेट करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ से बना कर लेके गए। हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए
कि भूख में व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें, इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सर जो हमने कहा कि आप कहते नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती, और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे। लोग हमको करें, हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें। दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है, जो हमने कहा कि आप कहते नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को, हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें, तो टी टिकैत के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो USA में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि USA की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें, इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में हम जाएंगे।
राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा यह है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा। कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सर जो हमने कहा कि आप कहते नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा यह है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा। जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें कर दो। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और बड़े जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए USA से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप कहते नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। तो उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो टी टिकेट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो USA में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि USA की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें। इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा, रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे। इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, UP, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा। कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे,
जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सर जो हमने कहा कि आप कहते नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा यह है कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती। और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप कहते नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उस पर आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा। और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है। और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करे, इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा। कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सर
तो हमने कहा कि आप अकेले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा यह है कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती। और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत TV चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए USA से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप अकेले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो USA में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उस पर आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि USA की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भोग पे व्यापार नहीं होगा और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भोग पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करे, इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, UP, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा यह है कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा। कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे जो हमने कहा कि आप अकेले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात को आने के लिए। आपको करना है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को
और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा यह है कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती, और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी, और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना, और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और बड़े जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए USA से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ। जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है, और हमको पेड़ लगाना है इस साल। तो उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें, तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो USA में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है, और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि USA की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है, और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें। इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, UP, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे जो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे, पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को, और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती, और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे,
हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है। तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मोमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ। जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। तो उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसेट करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करे, इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती। और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं,
कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20 21 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें, हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें। दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है, तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठन को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए, आपको करना ही है, इस मोमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल, तो उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में, ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा, आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा, ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करे, इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा, रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे। जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सर जो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी आपके उससे करेंगे, पूरे संगठन को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए, आपको करना ही है, इस मोमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा, हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी, ये 40 लोग है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20 21 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा।
बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू है। तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कुहाने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ। जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल। तो उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो टी टिकेट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में। ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो, जो डॉक्यूमेंट यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें। इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा, रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे। इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे जो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कुहाने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और सरकार अभी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, जिस हिसाब से सरकार बात नहीं करना चाहती। और जब तक तीन बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा। हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब तीन काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें। हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू है। तो
हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए। आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को, हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल, उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में, ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने रिसर्च करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा, आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बना कर लेके गए, हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर दुनिया में व्यापार नहीं होगा, ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है। और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करे, इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा, रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली। तो हमारा ये है कि ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, कटाई भी करेंगे हम, आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा, जैसे जो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक कमेटी गठित इस पर नहीं होगी, जो और मसले होंगे वो कमेटी उन मामलों को सोल्व करेगी। और अभी लगता है कि इसको और लंबा ये चलना पड़ेगा, जैसे सरकार कह रही है कि किसान फसल कटाई के टाइम पे गांव चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा, हमको तैयारी उसी हिसाब की रखनी है कि हम कटाई भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और पूरे देश में हम मीटिंगें भी करेंगे। अब 3 काम किसानों को हो गए हैं, खेत की कटाई करनी, दिल्ली का आंदोलन चलाना और पूरे देश में हमको मीटिंगें करनी। ये 40 लोग है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश में जाएंगे। हम आज सजा रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मीटिंग है, 9 तारीख में यहाँ पर रहेंगे, 10 तारीख में बलिया में मीटिंग है, 11 में यहाँ पर रहेंगे, 12 तारीख में जोधपुर में मीटिंग है, 13 में गाजीपुर रहेंगे, 14 और 15 तारीख में मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहाँ चले जाएंगे, 16 तारीख में यहाँ रहेंगे, 17 तारीख में फिर गंगानगर राजस्थान में मीटिंग है, 18 में यहाँ रहेंगे, 19 को उड़ीसा रहेंगे, 20, 21, 22 को कर्नाटक में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे और 24 को फिर गाजीपुर में रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम 5 तारीख तक ऐसे प्रोग्राम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। बाहर के बहुत टीवी चैनल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वहाँ के स्टूडेंट आए यूएसए से, अमेरिका, उन्होंने कहा जी क्या सहयोग हमको करें, हमने कहा कोई सहयोग नहीं करें, दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इश्यू है, तो हमने कहा कि आप कहले नहीं जी, आपके उससे करेंगे पूरे संगठनों को क्या दिक्कत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का किसान सक्षम है भारत सरकार से अपनी बात कहने के लिए, आपको करना ही है, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना है, आप पेड़ लगाओ, जो यूथ है उसको, पूरे दुनिया के यूथ को, हमको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे हमको जोड़ना है और हमको पेड़ लगाना है इस साल, उससे हमने जोड़ा यूथ को, पूरे दुनिया का यूथ आप जोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी आपके नाम से करें तो 30 टिकट के नाम से आप पेड़ लगा सकते हो यूएसए में, ये उनको कॉन्सेप्ट दिया है और ये एक बड़ा उन्होंने
कंसेंट करा, बड़ा अच्छा उनको लगा कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और उसको आप लिख सकते हो कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है 2021, इस आंदोलन से पूरी दुनिया का यूथ इस आंदोलन से जुड़ जाएगा। आप पेड़ लगाओ, क्लाइमेट ठीक होगा। दूसरा ये है कि आप अपनी सरकार को कहो जो डॉक्यूमेंट यहाँ से बना कर लेके गए। हमने कहा कि यूएसए की सरकार को, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप ये कहो कि दुनिया में भूख पे व्यापार नहीं होगा, और ये पूरे हिंदुस्तान भर का नहीं, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भूख पे व्यापार नहीं होगा, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, अनाज को तालों के भीतर बंद करने नहीं दिया जाएगा, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये पूरा एजेंडा सारे यूथ को लेकर चलना है, और आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनी हमारी रोटी को कैद ना करें। इस मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया की एक गाइडलाइंस, हिंदुस्तान और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का जो युवा है वो बनेगा। रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे, इस नारे के साथ में हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम जाएंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति।